बिहार के अन्य जिलों की तरह अब वैशाली में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। आपको लिए चलते हैं वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा के पीरापुर चकेसो खाजेचक जैसे जगहों में पानी बांध के किनारे पहुंच चुका है। बांध के किनारे बसे सैकड़ों घर बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों लोग बाढ़ के चपेट में आने से अपना जीवन बांध के गुजार रहा है। सुनिए, कितना दिन से रहा लिए थे? बना खाली करो, खाली से। कितना दिन से, कितना साल से रहत रह लिए? पचास बरस हो गए। 50 बरस से मतलब कोई ऐसा ही हो हर साल? सरकार के तरफ से कोई अपने से बाबू कोई सुनवाई ना? कोई सुनवाई ना अभी, कोई सुनवाई ना अभी अभी, अभी। मराई जागल, हम कहाँ जाऊँ? पन्नी तीन के गरीब आदमी टांग के हैं, खाल खाऊँ बाहर मर रहा नहीं। कोई अभी देखे ना आयल है? ना कोई ना। की नाम भेल? हम जी हमर कोशिया देवी नाम है। कौन जगह है? जगह के की नाम है? आपने देखा कि किस तरीके से बूढ़ी माँ ने बताया अपनी दर्द भरी कहानी। इस व्यक्ति को देखिए कि कितना गहरा पानी में आ रहे हैं और इस घर के पीछे भी जितने भी घर हैं सब बाढ़ में डूब चुके हैं। इनसे सुनिए क्या कहते हैं। कल आज रात से, आज रात से कितना फीट होगा पानी यहाँ पे? इस घर के पीछे कितना घर होगा यहाँ पे? यहाँ घर है 4-5 गो यहाँ पर है और टोला में। कितना लमसम कितना घर होगा टोटल? 50-60 घर होगा? 10 घर। 10 घर है। बाकी इधर पानी तो टपने में तनको समय नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। आप लोगों को डर भी लगता होगा? डर भी है ना, सांप बिच्छू वगैरह निकल जाए। क्या नाम हुआ आपका? मन्ना कुमार। कौन सा जगह है? केशवपुर। लालगंज में पड़ता है? हाँ। सबसे हैरान करने वाली बात है कि जिला प्रशासन की ओर से सिर्फ वैसे लोगों की सहायता या वैसे जगहों पर सहायता की जा रही है जहां की सरकारी बांध बना हुआ है, मगर जो बांध से नीचे गांव में जो रह रहे हैं, जो प्रशासन के द्वारा लिंक रोड कहा जा रहा है, वैसे लोगों को मदद नहीं पहुंच पा रही है। किसी भी तरीके से जीने के मजबूर हैं ये बाढ़ ग्रसित लोग। किस तरह से घरों में से सामान लेकर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए तैयार हैं ये लोग, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार में कितना विकास हुआ है। आइए इनसे सुनते हैं कि क्या समस्या है। कितना इधर डूबा हुआ है? इधर इधर के पीछे पीछे सब गए मतलब। हाँ, 40 घर है। अच्छा, यहाँ पे अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा मिली? कोई सुविधा नहीं। तो वो जैसे देख रहे हैं कि लाइट उट चौकदार उकदार का ड्यूटी है, लाइट लगा बांध के लिए, पुल के लिए लगाए हैं। अच्छा, पुल के लिए, कि पुल टूटे नहीं। हाँ। पुल कहीं कहीं रिसाव भी हो रहा है क्या? हाँ हाँ हो रहा है, रिसाव हो रहा है। अच्छा, कितना दिन पहले से ये पानी इतना बढ़ा है? ये कल परसों से बढ़ा है। कल परसों से बढ़ा है। कितना मतलब पानी अभी लमसम होगा यहाँ पे? यहाँ पर पानी डांड भर होगा, कमर भर पानी। कमर भर। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश। ये कौन सा जगह है? जयप्रकाश। ये थाना कौन सा पड़ता है? लालगंज पड़ता है। देखिए किस तरीके से छोटे बच्चे सामान को लेकर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। पानी आ गया घर में? क्या है आखिर कारण? चाची, पानी आ गया घर में? पानी आ गया घर, स्कूल में जाई बड़ी रह। सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था ना मिलल है? ना कोई व्यवस्था ना। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे।